ये औरंगाबाद टाइम्स है। औरंगाबाद से शाय होने वाला सबसे पुराना मोतेबर और बावखार अखबार रोजनामा औरंगाबाद टाइम्स। औरंगाबाद टाइम्स अपनी इशात के 50 साल मुकम्मल कर चुका है। ये खूबसूरत, दीदाजेब, दिल फरेब और दिलकश अखबार जो खबर रसा भी है और दिल फशां भी, चश्म कुशा भी है और जहन कुशा भी, राह गुजर भी है और राहबर भी, ऐवानों में गूंजने वाली आवाज भी है और दिलों में हलचल मचाने वाली सदा भी, दिलों का सुकून भी है और आंखों का नूर भी। ये है आपकी अपनी आवाज, आपका अपना अखबार औरंगाबाद टाइम्स। ये वो अखबार है जिसने आपको, आपके तशख्स को, आपकी जबान को, आपकी तहजीब को, आपके तमद्दुन को, आपकी शानदार रिवायात को बचाने, उन्हें परवान चढ़ाने, उन्हें अगली नस्लों तक पहुंचाने और इनकी हिफाजत करते हुए 50 वर्षों का सफर तय किया है। उर्दू जबान और उर्दू तालीमी दारों की हिफाजत इसने एक सिपाही की तरह की है। ये वो अखबार है जो पिछले 50 वर्षों से आपकी पासबानी का फरीजा अंजाम दे रहा है। मुकामी खबरों से लेकर असेंबली और पार्लियामेंट के ऐवानों तक इसने आपकी आवाज पहुंचाई है। ये आपकी मजबूत व मुस्तहकम आवाज है। ये आपके मसाइल का तर्जुमान है। ये आपके मफादात का पासबान है। ये आपका मुस्तैद व मुतहरिक निगहबान है। ये आपकी जान है। ये आपकी पहचान है। मौसमों की सख्तियों में, धुआंधार बारिशों में, शदीद सर्दियों में, चिलचिलाती धूपों में, आग बरसाती गर्मियों में, दिन के उजालों में, रात के अंधियारों में, कर्फ्यू की सनसनाती रातों में, ये आपके लिए जीता है, आपके लिए जागता है, ये आपके लिए सांस लेता है, आपकी खुशहाली के लिए, आपकी शादमानी के लिए, दिन रात सिसकता है, शब रोज बिलकता है, अपनी सुर्खियों से आपके आंगन में गुल खिलाता है, जगमगाता है, ये आपका रफीको दमसाज है, ये आपका हमदम व हमराज है। आपको हो तकलीफ तो चीख उठता है, आपके दुख दर्द पर तिल मिलाता है, आपकी आवाज, आपका अहवाल दुनिया को बताता है। ये है औरंगाबाद टाइम्स। सन 1967 में जब ये जारी हुआ तो इंतहाई नहीफ नजार था, कमजोर नातवा था। अजीज खुसरो ने इसे आपकी मोहब्बतों से पाला है, आपकी उल्फतों ने इसे संवारा है, आपकी इनायतों ने इसे राज दुलारा बनाया है, आपकी नजर नवाजी ने इसे हफ्त रोजा से रोजनामा बनाया है। बड़ा सख्त जान है ये, आपकी सुबहों का अरमान है ये। 8 सितंबर 1990 के रोज खबरों का बोझ ढोते ढोते, अखबार के नाज उठाते उठाते, वो सांस जो जिंदगियों को मुनव्वर करती थी अचानक रुक गई, जैसे टिक टिक करके चलती घड़ी अचानक बंद हो जाए। अजीज खुसरो अपने चेहरे पर दाइमी मुस्कान लिए इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गए। जिंदगी के सारे साज यकलख खामोश हो गए, जिंदगी के सारे साज यकलख खामोश हो गए। खामोशी, गहरी खामोशी, हाँ वो हंसता मुस्कुराता शख्स एकदम खामोश हो गया। उसकी खामोश निगाहों में भी पयाम था, उसकी मौत एक नई सुर्खी थी और
इस सुर्खी की जेली सुर्खी, चले चलो चले चलो थी। चले चलो चले चलो, कदम न रुके राह में, चले चलो। और रोते बिलकते शोएब शकीब और नन्हे जोहेब, हाथों में हाथ डाले चलने लगे। चले चलो चले चलो, चले चलो चले चलो। और आज तक ये तीनों भाई इसी तरह अजीज खुसरो के नक्शे कदम पर चलते आ रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह शदीद बारिशों में, सख्त सर्द मौसमों में, चिलचिलाती धूपों में अजीज खुसरो सहाफत का अलम उठाए चलते आए थे। ये तीनों भी अपनी मादरे मोहतरम की सरपरस्ती में सहाफत की संगलाख राहों पर बुलंद अजायम के साथ गामजन हैं। कांटों की चुभन, नश्तरों का कर्ब, तंस के तीर, तानों की संगबारी, साजिशों के जाल इनके पाए इस्तेकामत को लड़खड़ा न सके। पूरे अज्म हौसले से इन्होंने अपने वालिदे बुजगवार के लगाए पौधे की आबियारी पूरे खुलूस व लगन और अज्म हौसले से की। और आज वो पौधा एक तनावर दरख्त बन चुका है, जो सायादार भी है और फलदार भी। इसी की ठंडी छाओं में आज सारा अमला सुकून से बैठकर अखबार का काम करता है। वो अखबार जो मिस्तर पर किताबत से शुरू हुआ था, जिसने बटर पेपर पर किताबत का मोड़ लिया था, जिसने सफा साज उर्दू सॉफ्टवेयर पर एक इनकलाबी करवट ली थी, अब इन पेज जैसे सॉफ्टवेयर पर अखबारी मवाद तैयार करता है। और कंप्यूटराइज प्लेट मेकिंग के जरिए फोर कलर ऑटोमेटिक मशीन पर छपता है। बेक वक्त चार रंगों में अखबार छापने वाली ये मशीन पूरे महाराष्ट्र में शायद कुछ ही उर्दू अखबारों के पास अपनी जाती होगी। औरंगाबाद टाइम्स ने इन 50 सालों में कई नशेब व फराज देखे हैं। मिस्तर के जरिए दाब मशीन की तबाद, उसके बाद ऑफसेट प्रोसेस, फिर वेब ऑफसेट, और अब ये बयक वक्त चार रंगों को छापने वाली मशीन तक का 50 सालों का सफर बड़ा जांगुसल है। घरों की दहलीज पर अखबार की रसाई से लेकर अब इंटरनेट के जरिए कंप्यूटर के स्क्रीन पर बयक जुम्बिश अंगुष्ट ये अखबार सारी दुनिया में पढ़ा जाता है। इन 50 सालों में अजीज खुसरो ने इब्तदाई 24 बरस अपनी जान लुटाई और अब पिछले 27 सालों से शोएब खुसरो, शकीब खुसरो और जोहेब खुसरो इसे जान लगा रहे हैं। अब इसके पासबानों में अरीब खुसरो और उमर खुसरो का भी इजाफा हो चुका है। इनके पीछे बिलाल खुसरो, आमिर खुसरो और अमीन खुसरो भी लाइन में इस उम्मीद पर खड़े हैं कि या रब हमको भी हो अता, या रब हमको भी हो अता जिहादे हर्फो कलम का शर्फ कोई। आज औरंगाबाद टाइम्स के 50 साला जश्न के मौके पर फिराक गोरखपुरी का ये शेर याद आता है। ऐ अहले कलम आओ ये मीरास संभालो, ऐ अहले कलम आओ ये मीरास संभालो, मैं मताए लौह कलम बांट रहा हूं।